students, I hope you all will be fine by the grace of God. Once again, welcome to our new lecture, lecture number 4, subject science. Today we are going to learn which are living things. Unit number 5. W H I C H, which. Take one finger space and write R, A R E R, which are. Take one finger space and write living, L I V I N G, living things. Take one finger space and write things, which are living things. Question mark. Today we are going to discuss which are living things. लिविंग थिंग्स ऐसी चीजें होती हैं जो कि अलाइव होती हैं. ए एल आई वी ई, अलाइव यानी कि जिंदा होती हैं, जो कि जान रखती हैं, सांस लेती हैं, खा पी सकती हैं, बढ़ सकती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती हैं. हमारे पास ऐसी तीन चीजें हैं विच आर लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो कि अलाइव होती हैं, यानी कि जिंदा होती हैं, जो कि सांस ले सकती हैं, बढ़ सकती हैं, खा पी सकती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती हैं. लिविंग थिंग्स में तीन ग्रुप आ जाते हैं. सबसे पहला है, नंबर वन पे है, लीव वन लाइन एंड राइट नंबर वन, ह्यूमन बींग्स. एच यू एम ए एन, ह्यूमन beings. Take one finger space and write beings, b e i n g, human being. Human beings, human beings जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, आपकी मामा बाबा बहन भाई सब, ये जो है ये सब के सब human beings में आते हैं. एंड नंबर टू इज, लीव वन लाइन एंड राइट नंबर टू. नंबर टू इज प्लांट्स, पी एल ए एन टी एस, प्लांट्स. ये देखें, प्लांट्स जो हैं ये भी लिविंग थिंग्स में आते हैं. कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ बड़े प्लांट्स होते हैं. एंड नंबर थ्री इज एनिमल्स, A N I M A L S, animals. A N I N E M A L S, mals, animals. Animals में जैसा कि ये टाइगर है, डॉग है, हॉर्स है और ये कॉक है, ये सब एनिमल्स में आते हैं. और इस पिक्चर में भी आप एनिमल्स को देख सकते हैं. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल आर लिविंग थिंग्स. ये सब के सब जो हैं वो लिविंग थिंग्स में आते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब इसके साथ हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो जाए. ट्रू एंड फॉल्स. नंबर वन इज, ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. इज दिस ट्रू और फॉल्स? ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. इज दिस ट्रू और फॉल्स? यस, इट्स ट्रू. यू कैन राइट टिक, इट्स ट्रू. नंबर टू इज, ants are not living things.
इट्स रॉन्ग बिकॉज एंट्स आर लिविंग थिंग्स. एंट्स चींटियां जो हैं वो जान रखती हैं और वो जानदार हैं, इसलिए ये क्रॉस है. इट मीन्स दिस सेंटेंस इज फॉल्स. एंट्स आर नॉट लिविंग थिंग्स. नंबर थ्री इज लिविंग थिंग्स कैन ईट. ट्रू, यस, लिविंग थिंग्स कैन ईट, क्योंकि जो जान रखती हैं जो चीजें वो खा पी सकती हैं. नंबर फोर इज एनिमल्स डू नॉट ग्रो. इट्स क्रॉस बिकॉज इट्स मीन फॉल्स. Because animals can grow, क्योंकि animals जो हैं वो बढ़ सकते हैं. Number five is a book is a non-living thing. It's true. Yes, book जो है वो बेजान है, इसलिए ये true है. Dear students, I hope you all have learned it very well. See you till the next video. Bye bye.